नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट विहार, झारखंड देख रहे हैं। देखिए, कल लालू प्रसाद यादव आरजेडी कार्यकर्ताओं का मुंह मीठा कराएंगे, और मीठा भी क्यों ना कराएं, क्योंकि कल आरजेडी 28 साल की हो जाएगी। इस तरह से आप देखिए, आरजेडी कार्यालय में पूरे सजने संवारने की जो तैयारियां है वो पूरी तरीके से जोरों शोरों से चल रही है। टेंट पंडाल, खाने से लेकर यहाँ पे साफ सफाई, तमाम जो चीज़ है वो हो रहे हैं। आप देखिए कि कैसे यहाँ पे जो लोग हैं, जो टेंट पंडाल लगाने वाले हैं, वो कारगर यहाँ पहुँच चुके हैं। और आरजेडी कार्यालय में जो टेंट पंडाल लगाने का जो कार्यक्रम है, जो काम है, वो जोरों शोरों से चल रहा है। कहीं बांस बल्ले गाड़े जा रहे हैं, कहीं पे खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। आपको बता दें, कल लालू प्रसाद यादव आरजेडी दफ्तर में होंगे, और आरजेडी के तमाम संस्थापक जो लोग हैं, जो नेता हैं, वो भी आरजेडी कार्यालय में मौजूद होंगे, और आरजेडी कार्यकर्ताओं के बीच में लालू प्रसाद यादव सब किसी को लड्डू खिलाएंगे, मुँह मीठा कराएंगे। अब देखिए, आरजेडी कार्यालय को भी सजाया जा रहा है, जो लाइटिंग है वो प्रॉपर तरीके से लगाई जा रही है, और कल लालू प्रसाद यादव रहेंगे, और हो सकता है तेजस्वी यादव भी, जो विदेश दौरे पे हैं, वो वापस कल सुबह में पटना पहुंच जाएं और इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। आपको बता दें कि राजद ने अब इसकी पूरी तैयारी कर ली है, शाम तक पूरे तरीके से राजद को कार्यालय को सजा दिया जाएगा, और इसको लेकर अब तैयारियाँ जोरों शोरों से चल रही है। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी समेत तमाम बड़े नेता राजद के कल राजद कार्यालय में मौजूद रहेंगे, और यहाँ पे तमाम जो नेता हैं, पार्टी के बड़े नेता हों या छोटे कार्यकर्ता हों या तमाम जो कार्यकर्ता हैं, वो आज उपलब्ध रहेंगे। और अभी से ही पूरी इसकी खाका तैयार कर लिया गया है। जिला में भी राष्ट्रीय जनता दल की जो कार्यालय है, वहाँ पर भी आरजेडी का स्थापना दिवस मनाया जाएगा, लेकिन प्रदेश कार्यालय में विशेष रूप से इसकी तैयारी चल रही है। और आरजेडी कहीं ना कहीं अब इस कार्यक्रम के बहाने कार्यकर्ताओं को बिहार विधानसभा चुनाव होने के पहले एक मजबूती से एक संदेश देना चाह रही है, क्योंकि राजद अब लोकसभा चुनाव के बाद ये पहला कार्यक्रम होगा जिस कार्यक्रम में आरजेडी के तमाम बड़े नेता और तमाम कार्यकर्ता मौजूद होंगे, और इससे लालू प्रसाद यादव इस कार्यक्रम में संदेश देंगे। संदेश होगा तेजस्वी को कैसे 2025 में बिहार के कुर्सी तक पहुंचानी है, और इसको लेकर अब आरजेडी में कार्यकर्ता और नेताओं की कल जुटान होगी, और इसी जुटान के बहाने 2025 का बिगुल भी फुकाएगा, और आरजेडी पूरी तरीके से कमर कल से कसना शुरू कर देगी। कल लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, जगदानंद सिंह, मनोज झा समेत तमाम पार्टी के बड़े नेता और कदावर नेता इस कार्यक्रम में भाग लेंगे और इसमें शिरकत करेंगे। बहरहाल, इस खबर में इतना ही। इसे तमाम खबरों के हमारे बने रहें, फर्स्ट बिहार, झारखंड देख रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे, लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।